वेलकम फ्रेंड्स, आपका रेसिपी देखो में स्वागत है, जिसमें हम बनाते हैं ऐसा खाना जो टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी। तो आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं फलाट मछली की करी, जो कि खाने में बहुत ही मस्त होती है। इसे हम टोटली विलेज तरीके से बनाएंगे, साथ ही साथ इसके हम कटिंग को भी सीखेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो फलाट मछली जो है आसानी से नहीं मिलती है। देखिए, ये चपटे तरह की होती है। इसे फॉली या फलोई मछली के भी नाम से जाना जाता है। तो इसे छिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो इसका झोल खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम लोग इसका झोल ही बनाने वाले हैं। तो ये हमारे यहाँ के डैम की मछली है। हमारे यहाँ डैम में बहुत सारी मछली की प्रजातियाँ पाई जाती है, तो मैं उन सब का वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको अनेक धन्यवाद। तो चलिए इसे काटना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने फलाट मछली को यहाँ ले आए हैं। तो अब हम इसको पहले काटेंगे, फिर हम इसको आज झोल बनाएंगे। फलाट मछली का जो आँस होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसे आप अच्छी तरह से छील लें। तो इसे छीलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा लचीला होता है, तो आप इसका ध्यान रखें, नहीं तो ये हाथों से फिसल जाता है और हाथ में चोट लग सकती है। और इस हिस्से में बहुत कांटे होते हैं, तो इसे सावधानी से काटें। तो देखिए, हमने इसे छील लिया है। तो अब हम इसका पीस करेंगे। इसका आप मीडियम साइज का ही पीस बनाएं, इसे ज़्यादा पतला भी ना बनाएं और इसे ज़्यादा चौड़ा भी ना बनाएं। तो देखिए, हमने यहाँ पीस कर लिया है मछली को। तो इसे और एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे। तो देखिए, मछली बिल्कुल ताजा है, आप देख सकते हैं। तो मछली को फ्राई करने के लिए सबसे पहले चलिए हम लोग आग जला लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें मिट्टी लगा दिया है, तो अब हम कढ़ाई को गर्म होने दे देंगे। तो मछली को फ्राई करने के पहले इसमें नमक और हल्दी मिला देंगे। हम इसमें आधा चम्मच के इतना नमक डालेंगे, फिर एक चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो देखिए, कढ़ाई को यहाँ अच्छी तरह से गर्म कर ले, तभी इसमें तेल डालें। तो यहाँ मछली को हमने मिला लिया है। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अब हम उसमें तेल डालेंगे। यहाँ हमने 150 ग्राम सरसों का तेल डाला है। तो यहाँ तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दें, तभी आप मछलियों को छोड़ें, वरना मछली टूट जाती है। तो अब जो है तेल गरम हो चुका है, तो अब हम लोग मछली को फ्राई कर लेंगे। फलाट मछली को आज हम लोग आलू के साथ इसका झोल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिया है छोटा छोटा, तो इसे हम लोग छील के काट लेते हैं। तो
अब हम लोग आलू को भी काट लेंगे। तो आलू को हम यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे। यहाँ हम एक प्याज भी फोड़न डालेंगे, इसीलिए प्याज को भी हम काट लेंगे। तो चलिए हम इसका मसाला देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या मसाला डालेंगे। तो मैंने यहाँ एक लहसुन को छील लिया है, चार हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और थोड़ा धनिया लिया है एक चम्मच के इतना, और मैंने दो चम्मच जीरा लिया है। तो इन सबको मिला के हम पेस्ट बना लेंगे। मछली भून चुकी है तो अब इसे हम उठा लेंगे। तो देखिए मछली को फ्राई करने के बाद जो तेल बचा हुआ है उसमें हम अब प्याज डालेंगे। तो देखिए प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। तो अब जो आलू काट के हम रखे हुए हैं इसमें, इसे हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ हम फलाट माछ का झोल बनाने वाले हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे नमक और हल्दी एक्स्ट्रा डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से नमक का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ एक चम्मच नमक डाल रही हूँ और एक चम्मच हल्दी भी डाल रही हूँ। नमक और हल्दी डालने के बाद आलू को अच्छी तरह से भून लें। तो यहाँ आलू को नमक हल्दी के साथ एक मिनट तक फ्राई करें। तो अब जो मसाला हमने पीस के लाया है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाला डाल के आलू को अच्छी तरह से भून लेना है। तो मसाला जो है वो भून चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें ग्रेवी डालने के लिए इतना पानी डाल देंगे। इसे आप उबलने दें, जब इसमें उबाल आ जाएगा तब इसमें फ्लैट मछली को धीरे धीरे छोड़ देना। देखिए यहाँ ग्रेवी में उबाल आने लगा है। तो आलू को यहाँ हम काट के देख लेंगे। तो देखिए ये बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके मछली को डाल देंगे। फिर इसे झोल में अच्छी तरह से डुबो दें। अब हम इसमें दो छोटे तेजपत्ता डाल देंगे। अब यहाँ इसे आप 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने दें। तो देखिए मछली जो है नरम हो चुकी है। तो अब हम इसे उतार देंगे। तो फलाट मछली का झोल रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमने मछली को बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है और बाहरी हमने कोई पाउडर मसाला यूज़ नहीं किया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, आप देख सकते हैं मछली भी नरम हो चुकी है। तो इसी तरह हेल्दी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और एक हेल्दी रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।